भाग्यशाली है कि कोई भी कोरोना का केस नहीं है। अतः जो प्रमुख चीज़ें हैं वो मैं आपकी संज्ञान में लाना चाहूँगा जिनमें छूट दी गई है। स्वास्थ्य सेवाएं समस्त आयु सहित सशर्त क्रियाशील रहेंगी। कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियाँ चलेंगी। मत्स्य पालन की जो गतिविधियाँ हैं वो क्रियाशील रहेंगी। पशुपालन की गतिविधियाँ क्रियाशील रहेंगी। वित्तीय क्षेत्र के कार्य होंगे, सभी बैंक खुले रहेंगे, वित्तीय संस्थाएं काम करेंगी। सामाजिक क्षेत्र में जो गतिविधियाँ हैं वो चलेंगी। आंगनबाड़ी सेंटर्स चलेंगे। ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना है, वो सब चलेंगे। मनरेगा के कार्य जो हैं वो चलेंगे। सार्वजनिक उपयोगिता के क्षेत्र में जो गतिविधियाँ हैं वो चलेंगी। नगर निकाय चलेंगे। माल एवं आवश्यक वस्तुओं के यातायात, उनके लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित रहेगी, जिसमें किराने की दुकानें भी खुलेंगी। वाणिज्य और क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान हैं उनमें अति आवश्यक जो हैं वो खुलेंगे, उनके विषय में विस्तृत आदेश निर्गत किया जा चुका है। औद्योगिक प्रतिष्ठान चलेंगे, जिसमें खनन और खनन की क्रियाएँ वो सब गतिमान रहेंगी। बड़े कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट हैं वो चलेंगे। आईटीआईटीएस की सर्विसेज चलेगी। इसी प्रकार से जो औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, पशु आहार निर्माण करने वाले, उनमें समय कार्य होगा। निर्माण से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं वो अनुबंध रहेंगी, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे हाईवे हो, सिंचाई परियोजना, सभी परियोजनाओं में कार्य होंगे। व्यक्तियों की आवागमन की अनुमति सिर्फ अति आवश्यक कारणों से ही अनुमति होगी। उसमें एक व्यक्ति दो पहिया वाहन पर बैठेगा, चार पहिया वाहन के प्रकरण में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर एक व्यक्ति बैठेगा। इस प्रकार से ये कार्य होंगे। भारत सरकार के कार्यालय तथा राज्य सरकार के जो कार्यालय हैं उनमें कार्य होंगे। 33% जो उपस्थिति है उसके अनुरूप कार्य होंगे। इसी प्रकार से जो अन्य गतिविधियां हैं उनमें, शासकीय जो गतिविधियां हैं उनमें 33% के साथ कार्य होते रहेंगे। विशेष रूप से प्रमुख जो छूट है वो इसी प्रकार की छूट है। इसके अलावा सभी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 3 मई तक लॉकडाउन यथावत रहेगा। अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी, सड़कों पर कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी और समस्त घरेलू अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के जो बस, रेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के मूवमेंट ये बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी, ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। औद्योगिक गतिविधियाँ जिनकी अनुमति है उनको छेड़ करके बंद रहेंगे। समस्त प्रकार के टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कैब, ये सारे बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सब बंद रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मृतकों के अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं जाएंगे और जो जाएंगे वो भी पर्सनल हाइजीन को देखते हुए जाएंगे। इसके साथ ही ऐसे मामले में यदि कोई पॉजिटिव केस पाया जाता है तो उस क्षेत्र में हॉटस्पॉट बनाते हुए वहाँ सभी प्रकार की अनुमतियाँ निरस्त समझी जाएंगी स्वतः ही, और उनमें सब में कंटेनमेंट की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाहर निकलने में जो भी व्यक्ति निकलेगा वो अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करेगा, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करेगा, अपने हैंड वॉशिंग का प्रयोग करेगा। जितने पर्सनल स्वास्थ्य के प्रोटोकॉल हैं उन सब का पालन सुनिश्चित करना होगा। इस प्रकार से मैं सभी जनपदवासियों को ये अपेक्षा करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से पूरे लॉकडाउन को सफल बनाया है उसी प्रकार से इन शर्तों के साथ साथ 3 तारीख तक का जो निर्देश है
लॉकडाउन को इसी प्रकार से सफल बनाएंगे। धन्यवाद।